चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए माँ जी? बहू, मुझे ये घर गिरवी रखना पड़ा आखिर में रमन के ऑपरेशन के लिए, और कहाँ से पैसे जुगाड़ करती भला। वैसे कितना पैसा मिला इस घर को गिरवी रख के? बहुत कम पैसे मिले हैं बहू, यही कुछ 7 लाख होंगे। 7 लाख? वाव, मुझे उसमें से 2 लाख दे दीजिए। बहू, मैंने बेटे का इलाज करने घर गिरवी रखा है, तुम्हारे शौक पूरा करने नहीं। मत मांगो मुझसे ये पैसे, मेरा बेटा एक बार ठीक हो जाए तब तुम्हें जो चाहिए ले लेना। माँ, क्या हुआ, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? बेटा, हमारा ये घर गिरवी रखना पड़ा, पर तुम दिल छोटा मत करो। ऑपरेशन के बाद एक बार तुम्हारे पैर बस ठीक हो जाए, देखना, तब हम दोनों मिलके हमारा घर जरूर छुड़वा लेंगे। हाँ माँ, मेरे पैर बस ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आप और मधु की किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखूंगा। कोई कमी नहीं रखूंगा, एक लंगड़ा बोल रहा है ये। हमारे शादी को 2 साल हो गए हैं, 2 साल, आज तक कुछ दे पाए हो मुझे? बस गरीबी और मजबूरी दिखाए हो, एडजस्ट करना सिखाए हो। माय फुट, ऐसी लाइफ से तो बेहतर है कि मैं किसी और के साथ भाग जाऊं। मधु, तुम तो जानती हो शादी के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन होता गया। एक बार मेरा ऑपरेशन से पैर ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, तुम्हारे पैर कभी ठीक नहीं होंगे, तुम जिंदगी भर लंगड़ा रहोगे, लंगड़ा। इस व्हील चेयर पे ही जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी। बड़ा आया मेरी कमी पूरी करने। नहीं नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर, मधु तो कुछ भी बोलती है, पगली है। ऑपरेशन के बाद तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम फिर से काम पे जा पाओगे बेटा, फिर से घूम फिर सकोगे। गायत्री का बेटा रमन की शादी के ठीक 2 दिन बाद किसी एक्सीडेंट में पैर पैरालाइज हो गया है, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 10 लाख रुपए जुगाड़ करने बोले हैं। गायत्री बेचारी अकेली माँ कहाँ से पैसे लाती भला, उसने अपना घर गिरवी रख के 7 लाख रुपयों का जुगाड़ लगाई है, पर उसकी बहू मधु इस घर में किसी से भी प्यार नहीं करती, सबके साथ किसी ना किसी छोटे कारण की वजह से हर वक्त झगड़ा करती रहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, बेटी की शादी में दहेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी 5 लाख मैं तुझे जुगाड़ करके देती हूँ। हाँ संध्या दीदी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी परेशानी में बस आप ही हमको मदद करने राजी हुए। वैसे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, पर अगर बोलना चाहती हो तो टाइम पे पैसे रिटर्न कर देना। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल कर देंगे, आप चिंता मत करो, बस मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। डायना, ए डायना। जी सासु मां। तेरे पास अभी कितने पैसे होंगे? यही कुछ 5-7 लाख रुपए। क्यों सासू मॉम, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई अचानक से? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी एक चचेरी बहन है, उसकी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए पैसों की कमी पड़ गई है, तो वो मुझसे मदद मांगे हैं। ला दे, वो पैसे मैं उन्हें दे आती हूँ। क्या जाओरी? नो सासू मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओरी देना इलीगल है, और मैं दहेज देने के लिए कभी भी अपने पैसे नहीं दूंगी। आई एम सॉरी। तू डायरी नहीं लाई, इसका मतलब ये नहीं हमारे देश में हर शादी बिना दहेज के हो जाए। आपको जो भी बोलना है बोल लीजिए, पर मैं अपना पैसा दहेज में देने के लिए कभी नहीं दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ,
अंडर स्टैंड बोल गई मुझे। अरे गायत्री भाभी नमस्ते, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? हाँ नमस्ते। क्या हुआ गायत्री भाभी, आप इतना परेशान क्यों है और आपकी ऐसी हालत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बताऊं संध्या, बहुत कुछ बदल गया है इन 2 सालों में। रमन की शादी में तो तुम आई थी, पर शादी के ठीक 2 दिन बाद उसके कार का एक्सीडेंट हो गया और वो चलने फिरने के लायक नहीं रहा। बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए पर कोई फायदा नहीं। अभी तो बहुत मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। हाँ बहुत दुख की बात है भाभी, फिर अब क्या करेंगे? अभी यहाँ पे एक डॉक्टर फॉरेन से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने रमन के पैरों का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाने को बोले हैं संध्या। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सुन के थोड़ा सुकून मिला दिल को। अब जल्दी से ऑपरेशन करवा दो, लेट मत करो भाभी। हाँ पर संध्या एक विनती है, मुझे 3 लाख रुपए उधार चाहिए तुमसे और मैं वादा करती हूँ तुम्हें वो पैसे जरूर वापस कर दूंगी। इनकी ऐसी हालत हो गई है कि खाने तक पैसा नहीं, बाल में तेल भी नहीं लगाई है और ये मेरे पैसे वापस करेगी। भाभी मेरे पास होते तो मैं अभी आपको दे देती। हाँ पर इतने सारे पैसे हमारे घर में नहीं। भाभी माफ कीजिए। आंटी मैं आपको ऑपरेशन के लिए पैसे दूंगी। तुम डायना हो ना, दिनेश की पत्नी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने बेटे को भी यहीं पर ले आइए, यहाँ से हॉस्पिटल नजदीक होगा। हाँ हाँ भाभी ये ठीक रहेगा। गायत्री डायना से मदद की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने घर वापस गई रमन को संध्या के घर पे लाने के लिए। हाँ मैंने तुझसे जब पैसे मांगे तब तो अंडर स्टैंड बोल के मुझे मना कर दी मुंबई। मैं किसी की मदद नहीं करूंगी, फिर किसी पराए की मदद के लिए हीरोइन बन के खड़ी हो गई है। सासू मॉम आप रहने दीजिए प्लीज, आपसे किसी जरूरतमंद की मदद करने का उम्मीद रखना भी बेकार है। आपको तो दहेज देने वाले लोगों से दोस्ती निभानी चाहिए, जाइए उनसे बात कीजिए। ये फॉरेनर तो मेरे मुंह पे ही बोलने लगी है अब। अगले दिन गायत्री अपने बेटे को लेकर संध्या के घर जाने के लिए तैयार हो गई, साथ में उसकी बहू मधु भी निकली। मधु इतने सारे लोग उनके घर पे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बेटी, तू अगर यहीं पे रहेगी तो। अच्छा अब आप चले जाएंगे शहर में मजे करने के लिए और मैं पड़ी रहूंगी इस घटिया गांव में। मैं भी चल रही हूँ। हाँ अब गायत्री मधु को मना नहीं कर पाई और तीनों पहुंच गए संध्या के घर पे। ये लो मधु तुम्हारी चाय। चाय? मैं चाय नहीं पीती, जाओ और मेरे लिए कैपेचिनो बना के लाओ। हाँ गायत्री भाभी आप तो बोल रहे थे घर चलाने में तकलीफ हो रही है, पर आपकी बहू तो खाली चीनी नहीं साथ में कापा चीनी भी मंगवा रही है। मधु का बिहेवियर सबको बहुत अजीब लगा पर उसे किसी ने नहीं टोका। आखिर वो संध्या के घर में मेहमान जो ठहरी। फिर उसी दिन शाम को मधु अच्छे से सज धज के घूमने निकली। बहू कहीं जा रही हो? हाँ अगर जा रही हूँ तो आपकी परमिशन लूँ? नहीं नहीं बहू, मैं तो बस ये बोल रही थी कि आते वक्त रमन का एक मेडिसिन ले आना। उस लंगड़े के लिए मैं कुछ भी नहीं लाने वाली, खुद चली जाना। हैं कितनी मुफ्त है, मेरी बहू फॉरेनर है फॉरेनर, फिर भी मेरे मुंह पे कभी ऐसे नहीं बोलती। हाँ व्हाट
पति का ऑपरेशन करवाने आई है, पर खुद मेकअप करके इतनी रात को बाहर घूमने जा रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मधु मधु, 9 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। मेरे लिए चाय ले आओ, जाओ। देखो बहू, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पे तुम्हें डायना के साथ मिलके थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। अब जाओ, नाश्ता बनाने में उसकी मदद करो। शट अप, मुझे यहाँ पे काम करवाने लाई हो? मैं इस घर की नौकरानी हूँ और वो फॉरेनर के ऑर्डर के हिसाब से मैं काम करूंगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, इतनी जोर जोर से चिल्ला के तमाशा मत करो। मैं तमाशा कर रही हूँ या आप उन लोगों के साथ मिलके मेरा तमाशा बना रहे हैं? नहीं नहीं मधु, तुम्हें यहाँ पे काम करने कोई नहीं बोल रहा, पर हमारे घर पे रहने आए हो तो हमारे घर के नीति नियम को मानना होगा, है कि नहीं? बताओ। सबसे पहले तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, समझी? और खबरदार, आइंदा गायत्री भाभी से इस तरह से बात की तो। ओह, तो आप भी इस बुड्ढी के साथ मिले हुए हैं। मधु, बिहेव योरसेल्फ। मेरे सामने मैं अपनी सास की बेइज्जती नहीं सुन सकती। डू यू अंडरस्टैंड? ना गांव ना ठिकाना, चली आई मेरे से मुंह लड़ाने, पता नहीं कहां से आ गई है। मधु बहुत बदतमीज थी, इसीलिए कोई भी उसके साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। आखिर में लड़ाई करके घर का माहौल जो बिगड़ जाता था। आंटी, आप दुखी मत हुई है, एक बार रमन भैया का ऑपरेशन हो जाए बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ गायत्री भाभी, और उसके बाद इस बदतमीज मधु को घर से धक्के मार के निकाल देना। हाँ, अरे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएगी हमारी रमन के लिए, ऑनलाइन का जमाना जो है, सब ऑनलाइन मिल जाता है। हाँ, मुझे किसी से कोई गिला सिकवा नहीं, बस भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दे। गायत्री के परिवार को आए हुए एक हफ्ता हो गया था। रमन की ऑपरेशन के लिए भी रेगुलर डॉक्टर कंसल्टेशन चल रहा था। डायना हर स्टेप में गायत्री और रमन का मदद कर रही थी, पर रमन की पत्नी मधु तो शहर घूमने आई थी। रोज रोज सुबह लेट उठना, अच्छा अच्छा खाना डायना से बनवा के खाना, शाम को सज धज के बाहर घूमने जाना, फिर लेट नाइट घर लौटना, उसका रोज का रूटीन बन गया था। इनका गद्दा कितना मुलायम है, एक बार सो जाओ तो उठने को मन ही नहीं करता। अरे 10 बज गए, अब तो दो बुढ़ी मिलके कितना कुछ सुनाएंगे। भूख भी बड़ी तेज लगी है, जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। गायत्री भाभी, आप इतना दुखी क्यों हैं? रमन का ऑपरेशन तो जल्द ही होने वाला है। हाँ आंटी, सासू माम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर आप दुखी रहेंगे तो रमन भैया भी दुखी हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हे भगवान। आप भी ना भाभी, कुछ भी सोचते हो, मेरी फॉरेनर बहू डायना के होते हुए कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हाँ संध्या, काश मेरी बहू भी डायना जैसी होती। हैं, डायना इतनी पसंद आ गई क्या आपको? हाँ हाँ, सही कहा आपने। वैसे चलो भाभी, आज मैं आपको मेरे सहेलियों से मिलवाती हूँ, मालती और कुसुम, दोनों बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलके आपका मन भी बहल जाएगा। हम तीनों अपने अपने बहुओं के शिकायत करके खूब मजे करते हैं, आज आप भी कर लेना, दिल पूरा हल्का हो जाएगा। सासु मॉम। डायना, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? मधु,
तुम थोड़ा जल्दी उठा करो बहू। फिर क्या? फिर मैं नौकरानी बनकर इस घर का काम करूँ? हाँ, यही चाहती हो ना तुम? कोई बात नहीं मधु, आज डायना जो ब्रेकफास्ट बनाई थी वाह बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ, मेरी बहू की तो बात ही कुछ अलग है, हम सब ज्यादा ज्यादा खा के खत्म कर लिए, और तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है अभी। क्या? हाँ, अब जाओ खुद के लिए ब्रेकफास्ट बना लो। डिस्गस्टिंग। नहीं नहीं, डिश साफ करने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो हमारी गेस्ट हो ना, बस अपने लिए नाश्ता बना लो जाओ। साथ में तुम्हारा कापा चीनी भी बना लेना। हाँ। मजा आ गया। मधु तो रात को टाइम पे सोने चली जाती है, फिर मॉर्निंग इतना लेट क्यों उठती है? आखिर ये रात भर क्या करती है? बाबू ये देखो, इस घर का इंटीरियर कितना अच्छा है ना, हम ऐसे ही बनाएंगे। तुम जैसे चाहोगी वैसे ही बनेगा हमारा इंटीरियर, बस मुझे वो पैसे मिल जाए जल्द से जल्द। तुम अभी तक उससे वो पैसे नहीं ला पाए? पैसे तो मैं ला कर रहूंगा, पर और कुछ दिन रुक जाने से 3 लाख ज्यादा मिल जाएंगे डार्लिंग। बहुत बढ़िया, उससे ना ऐसे ही फंसा के रखना। हाँ, जैसे वो आपके प्यार में डूब के मर जाने से भी ना डरे। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारा पति इसमें पूरा माहिर है, हम तो ऐसे पागल लड़कियों को फंसा के अपना घर बना लिए, अब तो बस इंटीरियर बाकी है, वो भी कर लेंगे। उफ, एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है मेरे पास, क्या पहन के बाहर जाऊंगी मैं कल? इस लंगड़े से शादी करके लाइफ बर्बाद हो गई मेरी। ओह, डिनर तो बन गया, अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ। जब डायना डिनर बनाने के बाद उसके रूम में गई तो वहाँ पे पहले से ही मधु थी और डायना के कबोर्ड में कुछ ढूंढ रही थी। मधु, व्हाट आर यू डूइंग इन माय बेडरूम? डायना, एक्चुअली मेरे पास एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है, तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इसीलिए तुम मेरे रूम में आ गई और कपबोर्ड में ड्रेस भी चेक कर रही हो। यू कुड हैव आस्क्ड मी मधु, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। फिर डायना ना चाहते हुए भी मधु को एक अच्छा ड्रेस निकाल के दी और मधु ड्रेस लेकर वहां से चली गई। मधु ड्रेस ढूंढने के लिए ऐसे चोरी छुपे मेरे रूम में आई थी? नो, मुझे तो लगता है बात कुछ और है। रात हो गई और सब डिनर खत्म करके अपने अपने कमरे में चले गए। गायत्री अपने बेटे के साथ एक कमरे में रहती थी और मधु अलग एक कमरे में। कल सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रमन भैया का रूटीन चेकअप करवाना है, पर उससे पहले तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि मधु आखिर रात भर करती क्या है। फिर डायना कॉरिडोर से होकर मधु के दरवाजे के पास पहुंची और तभी, अरे सनी, ट्रस्ट मी, मैंने पूरा कपबोर्ड छान मारा पर पैसा कहीं नहीं मिला। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, एक बार मुझे वो सारे पैसे मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ छोड़ आना डार्लिंग, पर पैसे लाने बिल्कुल मत भूलना। हाँ, हो सके तो घर से गहने भी चुरा के ले आना, बाद में हमारे काम आएंगे। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पैसे लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही, रही बात गहनों की तो चांस मिलने पर वो भी उठा लूंगी। अच्छा, तो बात यह है, मधु अपने पति के ऑपरेशन के पैसे लेकर किसी और के साथ भाग जाने वाली है। वाह, फिर तो मुझे उसे सारे पैसे दे देने चाहिए, नहीं तो बेचारी कैसे अपना नया घर बसाएगी बॉयफ्रेंड के साथ। पुअर लेडी। डायना मधु का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली गई और रात भर बस यही सोचती रही कि उसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर अगले दिन, आंटी आंटी, रमन भैया,
जल्दी कीजिए, हमें आपका रूटीन चेकअप के लिए जाना है। हाँ बेटी, चलो हम दोनों तैयार हैं। चलो डायना। मधु, मैं क्या सोच रही थी कि ऑपरेशन के सारे पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ और कल ऑपरेशन के टाइम सब संभाल के रखना, ओके? जब जरूरत पड़े तब निकाल के देना। पैसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ रमन के ऑपरेशन में मदद करने आई हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो डायना, मैं पैसों को अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ, फिर डायना मधु को पैसों से भरा हुआ बैग देकर रमन का रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल निकल जाती है। डायना, मुझे लगता है तुम्हें मधु को ऑपरेशन के पैसे नहीं देने चाहिए थे। क्यों आंटी, क्या बात है? वो तो शुरू से ही इन पैसों को अपने खर्चे के लिए मांग रही थी, अब वो पता नहीं। हे भगवान। आप चिंता मत कीजिए आंटी, रमन भैया का ऑपरेशन तो होकर रहेगा। पैसे लेकर रूम में घुस गई है, पता नहीं डायना को इसमें ऐसा क्या दिख गया जो इतने सारे पैसे पकड़वा के चली गई है। इस मधु को मुझे दे सकती थी। पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। यस, डायना से ज्यादा स्टूपिड मैंने और कहीं नहीं देखा। कपड़े पैक कर लेती हूँ। ये संध्या बुढ़ी अभी भी लिविंग रूम में बैठी हुई है, वो अंदर जाते ही मैं भाग जाऊंगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस मधु पे, अब मैं यहीं पर ही बैठी रहूंगी और घर का सारा काम उसी से करवाऊंगी। हाँ, गायत्री भाभी बहुत ढीला दे दी है उसे, आज मैं उसे सही कर दूंगी। मधु, मधु जल्दी आ इधर। क्या हुआ आंटी? मेरे लिए चाय बना के ला, जा। मैं बनाऊंगी चाय? हाँ, और कौन बनाएगा, मेरी बहू तो तेरा काम कर रही है। अब जा, एक कप फर्स्ट क्लास चाय बना के ला, मलाई मार के, उसमें थोड़ी जहर भी मिला दूंगी। हैं, कुछ कहा क्या? अरे नहीं आंटी, मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ। ठीक है, जहर मिलाने की सोचना भी मत, सामने बिठा के पहले तुझे ही पिलाऊंगी। हाँ, लगता है ये बुढ़ी अब सारा गुस्सा निकालेगी। नहीं नहीं, बुढ़ी होगी तेरी सास, मैं तो अभी भी जवान हूँ। और हाँ, साथ में पकौड़ियाँ भी बना के लाना। अब मधु संध्या को मना नहीं कर पाई और चाय पकौड़ी बना के तुरंत ही सर्व कर दी, ताकि संध्या खाकर अंदर चली जाए, फिर वो पैसे लेकर घर छोड़ के भाग जाए। मधु, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े पड़े हैं उन्हें छत के ऊपर सुखा दे, जा जल्दी कर, धूप चली जाएगी। नहीं आंटी, मेरे घुटनों में दर्द है, सीढ़ी चढ़ना नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं, सीढ़ी चढ़ने की क्या जरूरत है, पीछे गार्डन में सुखा दे, जा। कामचोर, ये बुढ़ी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। संध्या मधु से एक एक करके सारा काम करवाई, फिर रात को डिनर के लिए रोटी सब्जी भी बनवा दी। अब मैं क्या करूं, काम करते करते शाम भी हो गई है, अब तो वो लोग हॉस्पिटल से वापस भी आ जाएंगे, मैं कैसे भागूं यहाँ से। तब मधु एक उपाय सोची और किचन में रखा हुआ एक कॉस्टली प्लेट का सेट नीचे फेंक के तोड़ दी। और तुरंत ही वहां से जाकर अपने रूम में सोने का नाटक की। अरे क्या तोड़ दी है भगवान, जरूर हमारी महंगी कटलरी तोड़ दी होगी, मेरी बहू फॉरेन से लाई थी, इससे तो मैं आज। हे मधु, जब संध्या गुस्सा होकर किचन में पहुंची, प्लेट्स तोड़ दी पर खुद छुप के अपने रूम में चली गई है, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ को ऐसे गाली करते हुए सुनकर दिनेश वहाँ पे आ गया। माँ क्या हुआ? क्या हुआ, ये देख ये कामचोर मधु ने क्या किया। फिर दिनेश माँ को समझाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर मधु पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गई। संध्या को लगा
मधु उसके रूम में आराम कर रही होगी और तभी डायना, गायत्री और रमन भी हॉस्पिटल का काम खत्म करके घर वापस आ गए। कल ऑपरेशन के लिए हमें सुबह 10 बजे निकलना है, आप लोग तैयार हो जाना। हाँ ठीक है डायना, मैं मधु को भी बोल देती हूँ। मधु 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 अभी थोड़ी उठेगी, आज एक दिन में ही मैं उससे घर का इतना सारा काम करवाई हूँ कि कल तक नहीं उठेगी वो। अरे सासू मॉम, मधु घर पे होगी तब उठेगी ना सुबह। मतलब? चलिए मेरे साथ। अरे ये देखो, मधु तो कमरे में नहीं है और पैसों का बैग भी नहीं है। डायना मैं बोल रही थी ना, ये मधु कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। देखो वो तो चली गई और पैसों से भरा हुआ बैग भी ले गई है। हाँ, पैसे ले गई, इतना सारा पैसा मधु ले गई, ये सब तुम्हारा किया दरा है। हाँ अरे अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस मधु का असलियत सबके सामने लाना था। मैंने उसे आधी रात को किसी सनी से बात करते सुना है, मधु का अफेयर चल रहा है उसके साथ। वो दोनों कब से ऑपरेशन के पैसे लेकर भाग जाने की प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए मैंने उसे बैग दे दिया। अब ऑपरेशन कैसे होगा मेरे बेटे के पैर? डोंट वरी आंटी, उस बैग में सारे डुप्लीकेट नोट्स थे, असली नोट्स तो हॉस्पिटल में डिपॉजिट हो चुके हैं। रमन भैया प्लीज दुखी मत हो, मधु जैसी पत्नी आपको छोड़ के कभी ना कभी तो चली ही जाती, फिर दुख किस बात की, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। मधु मुफर्ट झगड़ालू लालची थी, पर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, ये जानने के बाद रमन और गायत्री बहुत दुखी हो गए थे। पर संध्या को उसके अफेयर से क्या लेना देना, वो तो बस अपनी महंगी कटलरीज के बारे में सोच रही थी जिसे तोड़ के मधु घर से भाग गई है। और डायना, उफ गॉड, जो लड़का उसे उसके पति के ऑपरेशन के पैसे चोरी करने बोल रहा है, वो लड़का तो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, और जब उसे पता चलेगा कि बैग में सारे डुप्लीकेट नोट्स हैं, then what will happen to Madhu? Oh my God! इधर डायना इस सोच में डूबी हुई है कि मधु के साथ क्या होने वाला है, पर उधर मधु पैसे लाए हो? हाँ हाँ लाई हूँ, ये देखो पूरे 10 लाख है हमारे पास अब। Thank God. सॉरी जानू, आने में लेट हो गया, काफी अंधेरा हो चुका है ना, अब जल्दी से चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अरे डार्लिंग लेट कहाँ हुआ है, मैं तो अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ कि तुम खुद रात को घर से निकली। मतलब जो पत्नी अपने पति को इतना बड़ा धोखा दे सकती है, वो किसी और से वफादारी क्या निभाएगी। सनी से ये सुन के मधु को एक बड़ा सा झटका लगा। यू चीट, तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। अब तक तुम्हारे साथ चीटिंग हुआ कहाँ है, अब होगा। और तभी उस सुनसान रास्ते पे एक कार बहुत स्पीड से आ रही थी, फिर सनी बिना देर किए मधु को उस कार के सामने धक्का दे दिया। वो मर गई या अभी भी जिंदा है? हमें क्या लेना देना डार्लिंग, चलो जल्दी। पैसे लाए हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। सनी और उसकी वाइफ यही काम करते थे, मधु जैसी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे हड़पना और पैसे मिल जाने पर उन्हें रास्ते से हटा देना, और कभी किसी की किस्मत अच्छी हो और बाय चांस उसकी जान बच जाए तो वो किस मुंह से घर वापस जाएगी और कैसे पुलिस केस करेगी भला। हे भगवान, सब सही हो जाए। सब सही हो जाएगा आंटी, आप भगवान पे भरोसा रखिए। अरे आंटी, ऑपरेशन भी खत्म हो गया। रमन का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर उन्हें अब 15 दिन तक आराम करना होगा।
फिर धीरे धीरे वो चल फिर सकेंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। देखा गायत्री भाभी, मैं बोल रही थी ना, मेरी फार्नर बहू के होते हुए कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ऑपरेशन के 7 दिन बाद रमन को घर भेज दिया गया। अब घर पे उसका ख्याल रखने मधु तो थी नहीं, इसीलिए डायना एक नर्स को अपॉइंट कर दी। नर्स भी रमन का बहुत केयर लेती थी और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब मेरा काम खत्म हुआ रमन सर, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मैरी। यहाँ पे रमन के पैर धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और दूसरी तरफ देखो सागर, उसकी एक्सीडेंट तुम्हारे गाड़ी से हुई थी क्या? नहीं, हमारी कोई अपनी लगती है वो? नहीं, उससे घर पे रखने से कुछ फायदा है हमें? नहीं, फिर क्यों इतना खर्चा कर रहे हो उसके पीछे? कितने दिन तक उसे हमारे घर पे रखोगे? घर का खर्चा कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। बंटी मंटी का ट्यूशन फीस भी बाकी है, अब तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई है। उस बोझ को अब कितने दिन तक घर पे रखोगे? उसे बोलो अपने घर चली जाए। अरे सुधा, तुम थोड़ा धीरे बोलो, बेचारी बहुत दुखी रहती है, इसीलिए मैं उसे कुछ बोल नहीं पाता। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, अब मैं आज उससे बात करता हूँ। दुखी रहती है, जरूर कुछ कांड करके घर से भागी होगी। हाँ, तभी तो उसके घर वाले उसे ढूंढ नहीं रहे और ये यहाँ पे मुंह छुपाए बैठी हुई है, मुफ्त का खाना खा रही है। अब तुम चुप करो, जाओ, मैं अभी बात करता हूँ उससे। मधु, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? भैया, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, किस मुंह से घर वापस जाऊँ अब? आखिर क्या बात है मधु? वैसे तो मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, फिर भी मुझे एक दोस्त समझकर तुम बोल सकती हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मधु सागर को अपने बारे में शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बता देती है। मधु, तुमने तो बहुत गलत किया है रमन और उसके माँ के साथ, पर मुझे लगता है तुम्हें उनसे एक बार बात करना चाहिए। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मेरा मन कहता है वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। किस मुंह से बात करूं मैं अब? रमन के सामने मैं कैसे खड़ी हो पाऊंगी? उनके ऑपरेशन के सारे पैसे चोरी कर लाई थी मैं, मेरी सास अब किस हाल में होंगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। देखो मधु, कोई तो होगा जिससे तुम खुल के एक बार बात कर सकती हो। डायना। हाँ हाँ, मुझे डायना से बात करनी चाहिए, वो जरूर मेरी मदद करेगी। भैया, मैं डायना से बात करूंगी। अगले दिन सुबह मधु संध्या के घर पे आती है। मधु, तुमने जो किया वो बहुत गलत था, अब तुम्हें रमन भैया और गायत्री आंटी से बात करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। देखो डायना, मैं माफी मांगने तैयार हूँ, पर क्या फायदा माफी मांग के? अब तो रमन भैया के पैर जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाएगा, कहाँ से लाएंगे वो इतने सारे पैसे? तुम सारे पैसे लेकर भाग गई, एक बार भी उनके बारे में नहीं सोची और उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाया। सो सैड मधु। अब और क्या लेने आई हो यहाँ पे? कुछ नहीं बचा मेरे पास बहू, तुम्हें एक अपाहिज लंगड़े से माफी मांग के क्या मिलेगा भला? जाओ, तुम चले जाओ बहू। ऐसे मत बोलिए माँ जी, अब चाहे जो भी हो जाए मैं रमन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, हर हाल में उनका साथ दूंगी, चाहे वो चल सके या फिर पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे बिताए। मुझे मेरे किए पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अब मैं क्या कहूँ मधु, जो कहना है रमन कहेगा, वो तुम्हें माफ करेगा या नहीं करेगा अब ये उसका फैसला है। रमन, रमन बेटा। हाँ, आप चल सकते हैं? आपके पैर? हाँ मधु,
मैं अब लंगड़ा नहीं रहा, चल फिर सकता हूँ। पर ऑपरेशन, वो पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मधु, ऑपरेशन उसी पैसों से हुआ है जिन्हें तुम चोरी करके सनी के साथ भाग जाने वाली थी। पर तुमने तो ऑपरेशन के पहले दिन मुझे सारे पैसे दे दिए थे और मैं वो पैसे लेकर। मुझे सब कुछ पता था मधु, इसलिए मैंने तुम्हें सारे डुप्लीकेट नोट्स दिए थे। असली नोट्स तो हॉस्पिटल में डिपॉजिट हो चुके थे। हाँ, ये बहुत अच्छा किया तुमने, उस धोखेबाज को धोखा ही मिलना चाहिए था। रमन मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी भी अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाऊंगी। भगवान करे मुझे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी बनाए, मुझे माफ करना रमन। मधु, अगले जन्म क्यों, इस जन्म में और भी जीना बाकी है हमें। आखिर 7 जन्मों तक साथ रहने का कसम जो लिए थे। रमन। हाँ मधु, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माँ जी, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बहू, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन पछतावा कितनों को होता है। मेरे लिए यही काफी है कि तुम अपनी गलती मानकर घर वापस आ गई। भगवान करे तुम दोनों हमेशा सुखी रहो, मैं बस यही चाहती हूँ बहू। अरे वो सब फिल्मी डायलॉग बोल के ड्रामा बाद में कर लेना। ए मधु, पहले ये बता तूने मेरे महंगी कटलरीज क्यों तोड़ी? सॉरी आंटी, माफ कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे डायना, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, स्विस वॉच, थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। वॉच, बहुत बढ़िया है। वैसे कितना पड़ा बेटा? ओहो माँ, आप हमेशा पैसों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इंडियन करेंसी में यही कुछ 50,000 के आसपास होगा, लेटेस्ट एडिशन था और डायना को ये बहुत पसंद था पहले, इसीलिए ले आया। हाँ, 50,000 की घड़ी, अच्छा। वैसे बेटा मेरा भी बर्थडे आ रहा है। दिनेश, डायना को इतना कॉस्टली घड़ी गिफ्ट किया, इसमें संध्या बिल्कुल खुश नहीं थी और मन ही मन डायना पे जले जा रही थी। फिर कुछ ही दिनों में संध्या का बर्थडे भी आ गया और दिनेश ने 1,00,000 रुपए देकर माँ के लिए एक सुंदर सा सोने का कंगन बनाया। बर्थडे गिफ्ट में सोने का कंगन पाकर संध्या तो खुशी से पागल हो गई थी। ये हुई ना बात, उस फॉरेनर के जन्मदिन पे 50,000 का घड़ी और मेरे जन्मदिन माँ के जन्मदिन पे 1,00,000 का सोने का कंगन। हाँ, अभी उस फॉरेनर को दिखा के चलाती हूँ। संध्या, ये संध्या, अरे इधर देख, इधर। निर्मला। निर्मला दीदी, आप घर कब आए? आपको देखे कितने साल हो गए हैं, आप तो बेटे के साथ दिल्ली में रहते थे ना? हाँ संध्या, बेटे की पोस्टिंग यहाँ पे हो गई और हम दिल्ली छोड़ के घर वापस आ गए। छोड़ वो बात, दिल्ली की तो बात ही कुछ और है। अरे संध्या, यहीं पर खड़े होकर सारी बातें कर लेगी क्या? गर्मा गर्म चाय नाश्ता के साथ बातचीत हो जाए तो उसका मजा ही कुछ और है ना? हाँ हाँ दीदी, वो तो है, पर आप तो अभी अभी आए हैं, थोड़ा सेटल हो जाइए, फिर बुलाइए चाय नाश्ते पे, हम जरूर आएंगे। अरे पगली, मैं थोड़ी ना मेरे घर पे चाय नाश्ते की बात कर रही हूँ, मैं तो तेरे घर पे आने को सोच रही थी। हाँ, 2 साल दिल्ली में रहकर आई, फिर भी बेशरमपंती नहीं छोड़ी ये औरत। हाँ हाँ, क्यों नहीं निर्मला दीदी, मिलते हैं कभी फुर्सत में हमारे घर पे। कभी क्यों, आज शाम को ही मिलते हैं ना,
तेरी बहू को बोल के सब कुछ तैयार रखना है, मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी। ठीक है दीदी। डायना, ए डायना, कहाँ गई तू? क्या हुआ सासू मॉम, इतना परेशान क्यों है? आफत आ गई है, वो निर्मला शाम को हमारे घर पे आएगी। ओके सासू मॉम, ठीक है, फिर आप इतना टेंशन में क्यों हैं? तू नहीं समझेगी डायना, बहुत फेंकती है वो, दिखा दिखा के सुना सुना के बातें बनाती रहती है। आज तो वो खुद अपने आप को हमारे घर पे इनवाइट कर दी है, मैंने थोड़ी ना बुलाया था उस आफत को। शाम हो गई और निर्मला बिना देर किए अपनी बहू सोना के साथ संध्या के घर पे पहुंच गई। आ गई बेशरम निर्मला, पता नहीं डेली की बात बोल के कितना जलाएगी मुझे। क्या रे संध्या, दरवाजा खोलने में कितना लेट करती है तू? हमारा तो डेली में ऑटोमेटिक था सब, ऐसे अंदर से टीवी में देखो कौन आया है और रिमोट दबाओ, यूं खोल दो, बस हो गया। बहुत मॉडर्न सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया है आपका डेली। वैसे मिठाई विठाई कुछ लाए हैं तो दे दीजिए, फ्रिज में रख देती हूँ। वो क्या है ना, बाहर ज्यादा टाइम तक रहेगा तो गर्मी के कारण खराब हो जाएगा। मिठाई वो सब गली में कोई नहीं खाता, सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं आजकल, डायबिटीज जो इतना बढ़ गया है। अच्छा छोड़, इससे तो तुम कभी देखी ही नहीं होगी, ये है मेरी बहू सोना, दिल्ली से। बस नाम का नहीं, काम में भी खरा सोना है मेरी बहू। हाँ हेलो आंटी। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। इसी बीच डायना चाय नाश्ता लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। नमस्ते निर्मला आंटी। हैं, ये कौन है, बाल में रंग लगा के आई है? वैसे दिल्ली में भी आजकल सब लगाते हैं। मैं, ये है मेरी बहू डायना, फॉरेन से। ओ अच्छा, तभी मैं सोचूं इतनी सुंदर तेरे घर में और कौन हो सकती है। आ इधर आ, मेरे पास बैठ। सुना है तुम लोग डॉलर में कमाते हो? माँ जी, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ चलो बेटा, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं संध्या, वो खुद चली जाएगी, आजकल के जमाने की है, उसे सब पता है, इतने दिनों के बाद मिले हैं हम। तुम यहीं पर मेरे पास बैठो, जा सोना जा, इनका घर भी अच्छे से देख लेना। जी माँ जी, मैं देख लूंगी। संध्या, डायना और निर्मला लिविंग रूम में बातचीत में बिजी थे और सोना भी वॉशरूम होकर आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद निर्मला और उसकी बहू सोना अपने घर चले गए। आज का दिन बहुत अच्छा गया है ना सोना? हाँ माँ जी, बहुत मजा आया। अच्छा वो सब छोड़, बता तूने क्या उठाया? देखिए माँ जी, मैं ये इम्पोर्टेड वॉच चोरी की हूँ, मिनिमम 50-60 हजार का होगा ही। वैसे आपने क्या उठाया? तू तो बच्ची है अभी भी। ये देख, मैं तो संध्या का सोने का कंगन उठाई हूँ, 1-1.5 लाख तो होगा ही। बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये है इनकी असलियत, लगता है निर्मला और उसकी बहू हाथ सफाई करने में एकदम माहिर हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं ये दोनों। सासू मॉम, क्या आपने मेरा नया वॉच कहीं पर देखा है? मैं क्यों तेरा वॉच देखूं? वैसे भी इतना कॉस्टली वॉच मैं नहीं पहनती। वो वॉच मुझे दिनेश ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, पर पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा मुझे, कल तो यहीं पर रखी थी।
अच्छा हुआ खो गया, मेरे बेटे की कमाई से स्टाइल मार रही है फॉरेनर। डायना बहुत ढूंढ ली पर उसको वो घड़ी कहीं भी नहीं मिली। मिलती भी तो कैसे, वो तो अब निर्मला के अलमीरा में सेफली रखा हुआ था। मैं आज सोने का कंगन पहन के मालती के घर जाऊंगी, उसे कंगन दिखा के जलाने में बहुत मजा आएगा। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है। संध्या मालती के घर जाने के लिए अच्छे से तैयार हो गई, पर उसे सोने का कंगन कहीं भी नहीं मिल रहा। हे भगवान, मेरा कंगन कहाँ गया, कल तो यहीं पर रखा था खोल के। पक्का ये फॉरेनर मेरा कंगन ले गई होगी। डायना, ए डायना, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे का दिया हुआ गिफ्ट चुरा ली। क्या हुआ सासू माँ, मैं क्यों लूंगी आपका कंगन, वही कहीं होगा देख लीजिए। मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। सच सच बोल, कहाँ छुपाई है मेरा कंगन। अरे सासू माँ, मैंने बोला ना मैं क्यों लूंगी आपका कंगन। सास बहू दोनों मिलके अच्छे से ढूंढ लिए, पर पूरे घर में सोने का कंगन या डायना की घड़ी कहीं भी नहीं मिली। सासू मॉम, मुझे लगता है शायद चोर आया था हमारे घर पे। नहीं नहीं, मेरे होते कोई चोर अंदर नहीं आ सकता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पर हमारा इतना कीमती सामान गया कहाँ आखिर। अपना अपना प्यारा सामान खो देने से सास बहू दोनों बहुत दुखी थे। फिर एक दिन सुबह, संध्या आज तो पूजा के लिए इतनी लेट कैसे हो गई? क्या बताऊं मालती, मन थोड़ा भारी है इसीलिए कुछ करने को दिल नहीं था, मंदिर आने में भी लेट हो गई। तू बता, तेरी पूजा खत्म हो गई? हाँ हाँ, पूजा तो कब का खत्म हो गया, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। ये निर्मला दीदी है ना, अपनी दिल्ली वाली। हाँ हाँ, उसका क्या हुआ? अरे कहाँ कुछ होता है ऐसे इंसान का, वैसे वो आज खुद को मेरे घर पे इनवाइट की है इसीलिए जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही हूँ। हाँ है? हाँ, क्या बताऊँ संध्या, खुद से बोल रही है मुझे तेरे घर पे लंच करना है, तेरी बहू अच्छा खाना बनाती है, अब मैं अकेली खाना बनाने वाली होती तो बीमारी की एक्टिंग करके उसे मुंह पे ही मना कर देती, पर बात तो अभी बहू पे आ गई। और मेरी बहू तारा अच्छा खाना बनाती है ये तो पूरी कॉलोनी में सबको पता है। हाँ, मना नहीं कर पाई उसे। वैसे तो वो मेरे घर पे भी आ गई थी, मेरी फॉरेनर बहू की झूठी मूठी बड़ाई करके जम के नाश्ता करके गई है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, तारा को मना कर दूंगी कुछ भी स्वादिष्ट ना बनाए ताकि वो ज्यादा ठूस के ना जाए हमारे घर से। अरे ये तो अच्छा आइडिया है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, ये मालती तो सच में बड़ी तेज है। हाँ, आज डेली वाली निर्मला दीदी और उनकी बहू सोना मालती के घर पे लंच करने वाले हैं। देखते हैं आगे और क्या खबर आती है। अरे मालती, तू क्यों मुंह लटकाए बैठी हुई है, क्या बात है? क्या बताऊं संध्या, मेरी हीरे की अंगूठी कहीं खो गई। वो अंगूठी कोई मामूली नहीं थी, हमारी खानदानी अंगूठी थी। हाँ, मेरे सास मुझे दिए थे, मैंने तो आज तक तारा को भी नहीं दिया था इस डर से कि वो कहीं उसे खो ना दे, पर मेरे से ही खो गई हमारी खानदानी हीरे की अंगूठी। हाँ मालती, मुझे समझ आ रहा है तुझ पे क्या बीत रही होगी, मेरा भी सोने का कंगन खो गया है, मेरे बेटे ने मुझे जन्मदिन पर तोहफा दिया था पूरे 1,00,000 का, डायना की भी एक विदेशी घड़ी उस दिन कहीं खो गई, पता नहीं घर पे ही तो था फिर गायब कैसे हो गया।
मेरे होते हुए मेरे घर से एक चींटी भी चीनी का दाना ना उठा सके। पर ये अंगूठी कहाँ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा है संध्या। मालती की खानदानी हीरे की अंगूठी, संध्या का सोने का कंगन और डायना की स्विस वॉच। लगता है निर्मला दीदी और उनकी बहू बस इतना ही नहीं, और भी आगे निकल चुके हैं। सोना, ए सोना, कहाँ मर गई? क्या हुआ, ऐसे पागल की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? चोरी का सारा सामान कहाँ रखी है? मैंने अपने अलमीरा में सब रख दिया है। क्यों क्यों, ये सब तेरा सामान हो गया क्या? अब ये मत भूल कि सारा प्लानिंग मैंने ही किया था। नहीं नहीं, मैं बहुत मुश्किल से सबके घर से कीमती सामान चुन चुन के उठाई हूँ, अब सामान मेरा। ऐसे कैसे तेरा हो गया? चल एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा, अभी हम किसी एक जगह पे रख देते हैं और बाद में जब बेचेंगे तब पैसे 50-50 बांट लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये सही रहेगा। कोई ऐसी जगह बोलो जहाँ पे चोरी का सामान रखने से किसी को कोई शक भी नहीं होगा। हाँ, मेरे ससुर जी का एक पुराना संदूक है, उसमें सब रख देते हैं। उस कमरे के अंदर वैसे भी कोई जाता ही नहीं। हाँ हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। ला, अब लिस्ट बना देती हूँ मैं। संध्या का सोने का कंगन, उसकी फॉरेनर बहू की विदेशी घड़ी, मालती की खानदानी हीरे की अंगूठी, कावेरी की चांदी का पायल, सुगंधा का इटालियन सनग्लास, मयूरी की रूबी नेकलेस, शिखा की पर्ल इयररिंग, डिंपल का अमेरिकन ब्रेसलेट। अरे अरे अरे, बाप रे, ये सास बहू तो पूरे इलाके में किसी को नहीं छोड़े हैं। सबका कीमती सामान चोरी करके अपने पुराने संदूक में छुपा लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अरे तुम दोनों आओ आओ, अंदर आओ। हाँ चल अंदर चल, ऐसी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। हाँ क्या बात है बोलो। निर्मला दीदी मर गई क्या? बहुत अच्छा हुआ, एक बला टली। अरे नहीं नहीं, ऐसे लोग कहाँ जल्दी मरते हैं। असल बात यह है कि वही सब चोरी कर रही है। हाँ हाँ, सोच जरा संध्या, वो जब तेरे घर पे आई थी उसके अगले दिन ही तेरा सामान तुझे नहीं मिला था। सेम टू सेम हुआ है मालती के साथ। हाँ, हद तो तब हो गई जब उसे मेरे घर से कुछ ना मिला तो मेरे पोते का चांदी का कटोरी और चम्मच उठा ली। छी छी छी, पर उसका बेटा तो दिल्ली में जॉब करता था, बहुत पैसा भी कमाता होगा, फिर ये चोरी। हाँ संध्या, चोरी करना एक मानसिकता है, हर कोई खाना खाने के लिए चोरी नहीं करता। हाँ ओ आई सी, कल मैं मार्केट में मयूरी और सुगंधा से मिली थी। निर्मला आंजी और सोना लंच करने के लिए उनके घर गए थे, फिर उनका भी बहुत कीमती सामान खो गया है। तो इसका मतलब यही दो सास बहू ही सबका सामान चोरी कर रहे हैं। हाँ तो फिर मेरा कंगन निर्मला के हाथों में। डायना तू तो बहुत ही स्मार्ट है, सब कर लेती है, तू ही कुछ उपाय निकाल जिसमें हम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़े और मेरा सोने का कंगन भी वापस मिल जाए। हाँ हाँ, मेरी हीरे की अंगूठी भी। ओके, अब सब डायना पे आस लगाए बैठे हुए हैं कि वो निर्मला के घर से सबका कीमती सामान वापस ले आए। फिर डायना एक अच्छी तरकीब निकाली। डायना मैडम, काम एकदम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ओके। सोना, चोरी का सामान बेचने के बाद जब हमारे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे तब हम उन पैसों का क्या करेंगे? तूने कुछ सोचा है? मैं तो उन पैसों को लेकर फॉरेन में सेटल हो जाऊंगी बुढ़ी। नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा अभी तक।
अगर आप कुछ सोचे हैं तो हम वही करेंगे। अलेख निरंजन, अलेख निरंजन, घोर कलियुग, घोर अन्याय, अनर्थ होने वाला है, अनर्थ, घोर अनर्थ। बाबा के मुंह से ऐसे शब्द सुन के निर्मला भागते हुए बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा? बाबा सत्य नहीं बोलते, घोर पाप हुआ है तुमसे और तुम्हारे बहू से, अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। नहीं बाबा, हमने तो कोई गलती नहीं की। झूठ, मैं अपने दिव्य दृष्टि से सब देख सकता हूँ, सब कुछ। तुम्हारा सच बस तुम्हें, मुझे और भगवान को पता है। पाप का घड़ा पूर्ण हो चुका है तुम्हारा, पाप का घड़ा फूटने वाला है, बिखर जाएगा ये घर, सड़क पर घूम घूम के भीख मांगोगे तुम दोनों सास बहू। हाँ, अरे माँ जी, क्यों ऐसे पाखंडियों के बात सुन रहे हो? ओ हेलो ढोंगी बाबा, जाओ यहाँ से, जाओ। हीरे की अंगूठी, सोने का कंगन, मोती का हार, कीमती घड़ी, हे भगवान, मैं और नहीं देख सकता ये पाप, मैं साफ साफ देख रहा हूँ, तुम सास बहू दोनों जेल में चक्की पीस रहे हो, चक्की। हाँ बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, आप तो महान हैं। बाबा, अनहोनी को काटने का कोई तो उपाय होगा, हमसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। हाँ हाँ बाबा, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए हमसे, पर ऐसा कोई उपाय बोलिए कि हमारे ऊपर आने वाली सारी विपदाएं टल जाए और हम सास बहू दोनों पकड़े ना जाए कभी। तथास्तु, अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीष बरसने वाला है, सारी अनहोनी टल जाएगी, करोड़पति बन जाओगे तुम, करोड़पति। पर इसके लिए भोजन का आयोजन करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, भोजन का आयोजन? हम तो सबके घर पे भोजन करते हैं, अब हमें? हाँ, भोजन का आयोजन आने वाली अमावस के दिन 5-6 महिलाओं को भरपेट स्वादिष्ट भोजन करवाना होगा तुम्हें, तभी जाकर भगवान की कृपा बरसेगी तुम्हारे ऊपर और रातों रात करोड़पति बन जाओगे तुम दोनों, अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। निर्मला और सोना को करोड़पति बनने का उपाय बताकर बाबा वहां से चले गए। 5-6 भिखारी औरत अब मैं कहां से बुलाऊं? ओहो माँ जी, किसी और भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है? संध्या आंटी, कुसुम आंटी, मालती आंटी, सुगंधा, तारा, लता, डायना, ये सब तो है ना, इनको ही बुला लेते हैं। सही कहा तूने, इनसे बड़े भिखारी और कहां मिलेंगे हमें। बाबा के कहने के मुताबिक अमावस के दिन निर्मला 5 औरतों को अपने घर पे खाना खाने इनवाइट कर दी। फिर सास बहू दोनों मिलके सबके लिए ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन बनाए ताकि सब भर पेट संतुष्ट होकर खाना खा सके और बदले में ये दोनों रातों रात करोड़पति बन जाएं। माँ जी, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, उफ, मैं और पूरी नहीं बना सकती। मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है उन्हें मुफ्त में खाना खिलाने के लिए, पर करोड़पति बनने के बारे में थोड़ा सोच, पूरी अपने आप ही बन जाएगी। सबके लिए भोजन तैयार हो गया। फिर थोड़ी ही देर में संध्या, मालती, कुसुम, तारा और डायना भी आकर पहुंच गए। सब लोग जम के भोजन किए, फिर घर वालों के लिए टिफिन भी पैक कर लिए। निर्मला आंटी, खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू। मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, चल मैं तुझे दिखा देती हूँ। अरे तुम भी ना निर्मला दीदी,
डायना फारेन से है, फारेन से। बहुत ही स्मार्ट है और एक वॉशरूम नहीं ढूंढ सकती। जा डायना जा, निर्मला दीदी का घर भी अच्छे से देख लेना। हाँ ओके सासु मॉम। प्लान के मुताबिक डायना वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर निर्मला का घर का सारा कमरा चेक कर ली। बेचारी निर्मला और सोना तो बातचीत में बिजी थे। इतने सारे कीमती सामान छुड़ा के वो दोनों ऐसे खुले आम तो नहीं रखेंगे, जरूर कोई अच्छी जगह पे छुपाए होंगे। आई शुड लुक फॉर इट। तभी डायना की नजर पड़ी एक कमरे पर जो बाहर से बंद था। फिर डायना बिना देर किए उस कमरे को खोल दी और उसके अंदर एक बड़ा सा पुराना संदूक था। चोर, 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 जल्दी आओ सब लोग, निर्मला आंटी के घर चोर है। चोर, 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 चलो सब चलो। अब ये चोर कहां से आ गया? हे, क्यों चिल्ला रहे हो? कहां है चोर? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। चलो यहां से, चलो। चोर है अंदर, इस रूम के अंदर चोर है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा, चोर इसी कमरे में घुस गया। चलो चलो अंदर देखते हैं, यहाँ पे खड़े होके क्यों बातें कर रहे हो? अरे आप लोग भी ना, इतना डेवलप्ड सोसाइटी में चोर कहाँ से आएगा? अहा, कैसे नहीं आ सकता भला, हम सबके घर से चोरी हुआ है और आज शायद तुम्हारी बारी है। चलो चलो अंदर देखते हैं, कहीं चोर खिड़की से भाग ना जाए। सब उस कमरे के अंदर जाकर हर एक कोना अच्छे से देख लिए, पर वहाँ पे कोई नहीं था। देखा, कोई चोर वोर नहीं है, अब चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे आंटी, इतना बड़ा संदूक है, इसमें घुस गया होगा चोर, इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्या कहते हो? नहीं नहीं, यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर पे चोर आया है तो हम देख लेंगे। आप लोग खाना खा चुके हो, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मेरी बहू सही कह रही है, अब जाओ यहाँ से। हमारे होते हुए निर्मला दीदी के घर चोर घुस जाए, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। आज इस चोर को पकड़ के अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो पुलिस को फोन करती हूँ, खोलो संदूक, खोलो। जब वो संदूक खोला गया तो उसमें सारा चोरी का सामान दिख गया। फिर डायना एक एक करके सबका सामान निकाली। मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरी सासू माँ किए हैं, मैं तो बस उन्हें मदद कर रही थी। ए सोना, झूठ मत बोल, तूने ही मुझे आइडिया दिया था कीमती सामान उठाने का, नहीं तो मैं बचपन से ही छोटा मोटा सामान हमेशा चोरी करती थी। हाँ, आज से कभी चोरी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो सब। देखिए निर्मला आंटी, अगर मजबूरी से कोई चोरी करे तो उसे फिर भी माफ किया जा सकता है, पर आप दोनों तो अपने शौक के लिए चोरी करते हैं, और ये एक बीमारी है जिसे क्लिप्टोमेनिया कहते हैं, इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। हाँ, मेरी फारेनर बहू सही बोल रही है, पुलिस अभी आती ही होगी तुम दोनों का इलाज करने। बाय माँ, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, बाय डायना। ओके बेबी, और हाँ, आते टाइम मेरे लिए पिज्जा ले आना प्लीज। ओके, सी यू। किस जन्म में कौन सा पाप की थी जब मेरे ही बेटे ने एक फॉरेनर से शादी कर ली, फिर सब बोलने लगे फॉरेनर लोग एक दो साल में डिवोर्स दे देते हैं, पर ये डायना डायन तो मेरे बेटे को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा बस चले तो मैं किसी का भी लव मैरिज ना होने दूं। हाँ, रजत और रीना एक दूसरे को कॉलेज के समय से प्यार करते थे। जब शादी की बात चली तो दोनों के परिवार ने एक पंडित को दोनों की कुंडली मैच करने बुलाए, पर दुख की बात यह है कि रीना की कुंडली में दोष निकला। अगर रीना की शादी रजत के साथ हो जाए तो अगले 6 महीने में ही रजत की अकाल मृत्यु हो जाएगी। पर रजत और रीना ठहरे नए जमाने के, चलिए आगे देखते हैं। पापा, अब हम इतना एडवांस होने के बाद भी
ये सब फालतू कारण की वजह से शादी तोड़ दे। तुम्हारे लिए ये सब फालतू के चीज हो सकते हैं, पर हमारे लिए ये सब बहुत मायने रखते हैं बेटी। तुम्हें पता है मैं बिजनेस में इतना सक्सेस क्यों हूँ? क्योंकि मैंने हर एक स्टेप अपने कुंडली के हिसाब से लिया है। पंडित जी जैसे जैसे कहे मैंने ठीक वैसे ही किया, इसीलिए हमारे पास कभी पैसों की कमी नहीं हुई। अगर तुम भी कुंडली मैच करके शादी करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी बेटी। नहीं पापा, अगर मैं शादी करूंगी तो बस रजत से और किसी से भी नहीं। मुझे नहीं लगता मैं और किसी के साथ खुश रह पाऊंगी। तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती उस लड़के के साथ, तुम्हें उसे भूलना होगा। हरगिज नहीं पापा, मैं अगर शादी करूंगा तो बस रीना से ही करूंगा और किसी से भी नहीं। हम किसी भी हाल में उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकते बेटा। कान खोल के सुन लो तुम, तुम्हारे जान को खतरा है, क्यों नहीं समझ रहे बेटा? ठीक है माँ, आप रहो अपने अंधविश्वास की दुनिया में, मैं रीना से शादी करके और कहीं रह लूंगा। रजत, ऐसे करने की गलती से भी सोचना मत, मैं तुम दोनों को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। ऐसा बेटा होने से बेहतर है कि कोई बेटा ही ना हो। दोनों के घर पे बस ना ना, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। पर रजत और रीना किसी की नहीं सुने और अपने जिद में अड़े रहे। फिर एक दिन दोनों घर से छुप के भाग गए। भाग आए घर से, लव मैरिज करना है इन्हें। मौसी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दिनेश भैया भी तो एक फॉरेनर डायना भाभी से लव मैरिज किए हैं, और आप सब मिलके कितने खुशी से रह रहे हैं। उन दोनों की तो कोई कुंडली मैच नहीं हुई थी। फिर हमारे घर के बारे में बोल के मुझे इमोशनल ब्लैक ईमेल मत कर। हाँ पर मौसी, मुझे लगा था मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरी मदद करेंगे और हम दोनों की। अच्छा मदद? पहले इससे इसकी आगे की प्लानिंग पूछती हूँ, फिर इसके बाप को पूरी खबर दे दूंगी। इसकी क्या, मैं तो किसी की भी लव मैरिज नहीं होने दूंगी। हाँ रजत, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो हु विल स्टॉप यू? जाओ शादी करके आराम से रहो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं भाभी, हमारे यहाँ इतना इजी नहीं होता ये सब, मेरे घर वाले कभी भी ये शादी होने नहीं देंगे। हाँ भाभी, रीना एकदम सही कह रही है, और मेरे घर वाले दोनों को ढूंढ के मार डालेंगे। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, पर तुम दोनों का कुछ तो प्लान होगा आगे का। बताओ क्या सोच के घर से भाग आए हो? हाँ अरे बताओ बताओ, मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर पे बोलने वाली हूँ। संध्या की चालाकी कोई भी समझ नहीं पाया। रजत एक एक करके अपना पूरा प्लान बताते गया, जैसे कि कहाँ रुकने वाले हैं, कौन सी मंदिर में शादी करेंगे, शादी के बाद कहाँ सेटल होंगे, वगैरह वगैरह। और संध्या ये सब सुन के अपने दिमाग में फीड कर ली। मौसी, तो फिर हम चलते हैं, हमें तो अपने परिवार का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे शादी में जरूर आना प्लीज। हाँ हाँ, ये कोई रिक्वेस्ट करने वाली बात थोड़ी है, हम जरूर आएंगे अगर ये शादी हुई तो। हाँ हाँ, उसी मंदिर में शादी करने वाले हैं दोनों, अगले सोमवार को। उन दोनों की शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए भाई साहब, अलग कर दो उन्हें, अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो। हाँ हाँ, ये सासू माम तो बहुत डेंजर हैं। रजत से सारी बातें निकाल के उनके घर वालों को बता दिए, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो
रजत और रीना अलग हो जाएंगे। ओह माय गॉड। संध्या से रजत कहाँ रुका है ये जानने के बाद उसके घर वाले दोनों को अलग करने की पूरी तैयारी में लग गए। कुछ गुंडों के मदद से रीना को होटल रूम से किडनैप करवा के शहर से कहीं दूर भेज देने की पूरी सेटिंग किए। जल्दी जाओ, सबसे पहले उन दोनों को बेहोश कर देना, फिर वो लड़की को उठा के दूसरे शहर में कहीं छोड़ देना। जब तक वो वापस आएगी तब तक मैं अपने बेटे का माइंड वॉश करके उसका शादी दूसरे जगह करवा दूंगा। सुबह होने से पहले काम खत्म कर दो, जितने पैसे चाहिए ले लेना, जाओ। नहीं होने दूंगी उनकी शादी, सारे लव मैरिज करने वालों को अलग कर दूंगी मैं। हाँ सासू माँ, आपको पता है मुझे अभी रजत ने कॉल किया था। हैं? रजत? रजत तुझे क्यों कॉल करेगा? पता नहीं सासू माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, वो मुझे क्यों कॉल किया। कह रहा था कि उसके पापा को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। हैं? क्या बताया उसने, बोल जल्दी। हाँ, वो बता रहा था, वैसे किसी को बोलने से मना किया है, पर आपके ऊपर तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। कहीं दूसरे जगह पे चले गए हैं वो लोग। हाँ हाँ सासू मॉम, और शादी का डेट भी 2 दिन आगे कर दिए हैं। अच्छा, अभी कहाँ पे रहते हैं वो दोनों, एड्रेस बता। डायना संध्या को एक गलत एड्रेस दे दी ताकि रजत के पिताजी को रजत का करेक्ट एड्रेस पता ना चले। संध्या तुरंत ही रजत के घर पे कॉल करके उसका नया एड्रेस दे देती है। इस वजह से गुंडे रजत के सही एड्रेस पे पहुंच नहीं पाते, पर दो प्रेमियों की मदद करने उनके पास पहुंच जाती है डायना। जल्दी से सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, जल्दी करो। हाँ हाँ भाभी, हम अभी निकलते हैं। डायना दोनों को वहाँ से ले जाती है और एक एनजीओ में कुछ दिन तक रहने का बंदोबस्त कर देती है। इसी बीच डायना अपने अमीर पापा से मदद लेकर रजत और रीना को अमेरिका भेज देती है। अरे पता नहीं मालती, दोनों कहाँ गुम हो गए। माँ बाप मना कर रहे हैं, तुम दोनों की कुंडली मैच नहीं कर रही, तो भाग के शादी करने की क्या जरूरत है, बताओ। हाँ, सबक जरूर सीखेंगे। बिल्कुल सीखेंगे। रजत और रीना को शायद अभी तक समझ नहीं आया कि जो चीज कुंडली के हिसाब से ना हो उसे नहीं करनी चाहिए। मेरे ही घर में देख लो, बेटा एक फॉरेनर को शादी करके घर ले आया, तब से माँ को नहीं बीबी से ज्यादा प्यार करता है। वैसे डायना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ काहे की अच्छी। ए डायना, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? सासु मॉम, मैं जब किसी की मदद करती हूँ तब एक पौधा जरूर लगाती हूँ। अच्छा, वैसे हाल ही में किसका मदद किया है तूने? कहीं तो। बिल्कुल नहीं, मैंने तो रजत और रीना की मदद बिल्कुल नहीं की। मन तो था मदद करने को, पर पता नहीं दोनों हमें गलत एड्रेस क्यों दे दिए। हाँ हाँ जाने दे, ये कौन सा पौधा लगा रही है? आम का पौधा सासू मॉम, हमारे गार्डन में एक भी मैंगो ट्री नहीं है। आम का? बाबा, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा अपने बीबी से क्यों प्यार करता है? कुछ ऐसा उपाय बोलिए जिसमें वो मुझे ज्यादा प्यार करे। हाँ एक बात याद रखना, अपने बगीचे में कभी भी आम का पेड़ मत रहने देना, नहीं तो तेरा बेटा तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। आम का पेड़ तेरे कुंडली के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, हमारे बगीचे में आम का पेड़ बिल्कुल नहीं रहेगा।
सासू मॉम, कम ऑन, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? ये मेरे राशि को बिल्कुल सूट नहीं करता, कोई और पौधा लगा ले, पर आम नहीं। नहीं तो मैं उसे उखाड़ के फेंक दूंगी, बोल रही हूँ। सासू मॉम प्लीज। यहाँ पे संध्या डायना को आम का पौधा लगाने नहीं दे रही, क्योंकि उसे एक बाबा के कहने पर पूरा यकीन है कि आम का पेड़ बगीचे में रहा तो उसका बेटा उससे कभी प्यार नहीं करेगा। और दूसरी तरफ रजत और रीना की खबर किसी को नहीं मिल रही थी। अमेरिका में वो दोनों अच्छे से सेटल हो जाते हैं और अपने लाइफ में बहुत खुश थे, पर यहाँ पे रीना और रजत की खबर किसी को नहीं मिली कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना के पिताजी का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगता है। हर काम से पहले शुभ घड़ी अशुभ घड़ी देखते देखते बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे मौके गवाए जा रहे थे और ये सब चलते उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। जब तक हमारी बेटी हमारे साथ थी तब तक हमारा लक हमारे साथ कभी नहीं छोड़ा, पर अब लगता है सब खत्म हो जाएगा। हमारा करोड़ों का बिजनेस डूब रहा है। काश उस दिन हम अपने बेटी की बात मान लेते। रीना के पिताजी अब समझ चुके थे कि बिजनेस बस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं की जाती, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी शुभ अशुभ घड़ी देख के नहीं आती। और ठीक इसी तरह दूसरी तरफ रजत के पिताजी का कोई सपोर्ट नहीं था और उनके ही गुंडे ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम लूटने लगे थे। ए बुड्ढा, 5 लाख रुपए जल्दी से निकाल, नहीं तो पुलिस में हम बोल देंगे तूने तेरे बेटे को मार के कहीं दफना दिया है और साथ में उस लड़की को भी। सोच तेरा क्या होगा उसके बाद। जल्दी से पैसे जुगाड़ कर, कल तक हमें मिल जाने चाहिए। हे भगवान, काश आज हमारा बेटा हमारे साथ होता तो ये गुंडों की कभी हिम्मत नहीं होती हमारे घर पे खड़े होकर हमसे पैसे लूटने की। पर सब मेरी गलती है कौशल्या, सब मेरी गलती है। कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। अगर अपने बेटे बहू को घर पे खुशी खुशी रहने देते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना बेटा रहा और ना उन गुंडों को देने के लिए पैसे रहे। हे भगवान। लगता है अब दोनों के माता पिता अपने गलती मान चुके हैं और बेसब्री से दोनों के वापस आने की राह देख रहे हैं, पर उनके पास ना कोई पता ना कोई ठिकाना। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक। हेलो हेलो बाबूजी, कैसे हैं? रजत तुम? हे भगवान, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम घर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहू को भी लेकर आना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने तुम दोनों को अलग करने का प्लान बनाया। अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है बेटा, हमें माफ कर दो। पिताजी को रोते बिलपते बात करते सुन के रजत से और रहा नहीं गया और वो रीना के साथ अपने घर वापस आ गया। फिर उसी शाम को सब संध्या के घर पहुँचे। हाँ, कहाँ थे तुम रजत? सॉरी मौसी, आपसे मैं सारी बातें छुपाया। डायना भाभी ने मना किया था किसी और के साथ मेरा एड्रेस शेयर करने, इसीलिए। क्या? हाँ मौसी, डायना भाभी नहीं होती तो आज हम दोनों कहाँ एक साथ होते। उन्होंने ही हमारा अब तक पूरा सपोर्ट किया, हेल्प किया, हर दुख में साथ खड़े हुए और उनके पिताजी भी अमेरिका में हमारी बहुत मदद किए। ऑल थैंक्स टू डायना भाभी। थैंक यू डायना, तुम इनकी मदद नहीं करती तो आज मेरी बेटी शायद सही सलामत घर वापस नहीं आ पाती। भगवान तुम्हारा भला करे। डायना जैसी बहू सबको मिले ताकि हम जैसे अंधविश्वास करने वाले लोगों को सही सबक मिल सके। हाँ, आज मैं अपने बेटे बहू को पास पाकर बहुत खुश हूँ।
रिश्ते तो भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं, तो रिश्ता जोड़ने से पहले ये कुंडली मैच करवाना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है आपस में प्यार, सम्मान, विश्वास, भरोसा रखना और डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना। रजत और रीना के परिवार में सब उन्हें खुशी खुशी अपना लेते हैं और इधर संध्या। सासु मॉम, आप और आपका पौधा? हाँ डायना, जब तू किसी की मदद करती है तो एक पौधा लगाती है, और आज से मैं भी जब कभी एक अच्छी सबक सीखूंगी तब एक पौधा जरूर लगाऊंगी। पर आम का पौधा तो आपके राशि को सूट नहीं करता सासु मॉम। अरे डायना, पेड़ सबका भला करता है, हमें ऑक्सीजन जो देता है, फिर उसका किस राशि नक्षत्र के साथ क्या लेना देना, ये तो हम जैसे इंसानों के दिमाग में भरा हुआ बस अंधविश्वास ही है और कुछ नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक किस्से के साथ। नमस्ते।